एवरीवन इज एबल टू हियर मी। सुन पा रहे हो बालक मुझसे? कौन कौन है? प्रियदर्शी, हाँ अमित सत्यम। प्रभु। यस प्रभु। ओके, हम थोड़ा ना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद एक सेकंड। आवाज आ रही है ना मेरी? यस प्रभु जी। ओके, जो लोग अभी एक बार एंड हो गया था ना, सबको, बाकी लोगों को आप लोग बोल सकते फिर से ज्वाइन करने, है ना, जो लोग छूट गए। तो पहले प्रेयर्स कर लेते हैं अमित प्रभु, फिर हम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान दृश्य ज्ञान अंजन स्वामी नमस्ते सरस्वती। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण, आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज एक नए स्पीकर है जो आप लोगों को क्लास देंगे। लगता है बार बार मेरा क्लास सुन के आप लोग बोर हो गए होंगे, तो एक नए डिवोटी आए हैं क्लास देने के लिए, अमित प्रभु हैं। तो अमित प्रभु का छोटा सा परिचय आप लोगों को दे देते हैं। अमित प्रभु जो है मेरे बैचमेट हैं, हम लोग जब कॉलेज में 2013 में हम लोग कॉलेज में गए थे हल्दिया में, तो मैं और अमित प्रभु हम लोग सेम डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो अमित प्रभु बहुत ही अच्छे टीचर है, वो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, और आप जैसे छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो अभी वो नारायणा में, जो कि आईआईटी, आप लोग सुने होंगे आईआईटी का नाम, आईआईटी के बहुत सारे कॉलेज है इंडिया का। नूपुर म्यूट करो, सत्यम म्यूट करो अपने आपको। तो आवाज आ रही है अमित प्रभु? आवाज आ रही है? ओके ओके, एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको। अभिषेक प्रभु, आप उनको ना लाइव स्ट्रीम करने बोलिए नीतीश प्रभु को एक बार। अभिषेक प्रभु, अभिषेक प्रभु आवाज आ रही है? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अमित प्रभु जो है अभी नारायणा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है आईआईटी के लिए, कोचिंग सेंटर है। तो अभी वो इंदौर में ना प्रभु जी, इंदौर में अभी पढ़ा रहे हैं, इंदौर के नारायणा ब्रांच में। तो आज अमित प्रभु क्लास लेंगे, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से अमित प्रभु का क्लास सुनिए। उसके बाद सोमा जो है नरसिंह आरती गाएगी अमित प्रभु के क्लास के बाद हारमोनियम के साथ, ठीक है। तो
अमित प्रभु स्टार्ट कर सकते हैं आप। अमित प्रभु आप म्यूट है, अमित प्रभु आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अच्छा अच्छा चलिए तो क्लास शुरू करते हैं बालक, ठीक है। अच्छा विश्वजीत प्रभु कहाँ तक बताए हैं, कोई बता सकते हो, एनी ऑफ यू कहाँ तक वो बताए थे? हरिओम आप बता सकते हो कुछ? मुझे लास्ट क्लास में नहीं था, मैं उससे पहले वाली था, क्योंकि मोबाइल सीतामढ़ी के मतलब मां मेरी कैब में गई थी तो वहां मोबाइल छूट गया। ओके ओके दीक्षा आप बता सकते हो, आप हरिओम यूज कर लो। लास्ट क्लास में प्रियदर्शी था, उसके बाद कृष्ण प्रिया थी, लव्यम था, आदित्य शायद था, तो ये लोग बता सकते हैं। प्रियदर्शी आप बताइए। पिछले क्लास में प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे हाउ ओल्ड आर यू। ओके हाउ ओल्ड आर यू, इसमें किंग दशरथ के बारे में आपको बताया गया था क्या? यस प्रभु जी, कुछ पिछले से भी पिछले क्लास में बताया गया था अयोध्या के बारे में, दशरथ अयोध्या के बारे में बताया गया था। ओके ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। आज हम समझेंगे भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। भगवान राम को जानते हो सब? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी जानते हो ना, चलिए वेरी गुड। तो आज उनका जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो बात क्या था, एक दो दशरथ महाराज से उनके बहुत परम और बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनका नाम था रोमपद महाराज। क्या नाम था, क्या नाम था? रोमपद महाराज, रोमपद महाराज, वेरी गुड। तो रोमपद महाराज नाम था, किनके मित्र थे वो? दशरथ महाराज, दशरथ महाराज के मित्र थे। अच्छा दशरथ महाराज कौन है? राम जी के पिता, राम जी के पिताजी, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को पता ही है तो बहुत बढ़िया। तो राम जी के पिताजी रहे हैं दशरथ महाराज, तो उनके मित्र थे रोमपद महाराज। अब क्या था, दशरथ महाराज की पुत्री थी एक, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, ठीक है। लेकिन दशरथ महाराज को चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था? बेटा, बेटा, बेटा। अच्छा पुत्री से क्या दिक्कत था, क्योंकि वो राजपाट नहीं संभाल पाती, पुत्री का क्या है वो शादी करके चली जाएंगी, है ना। तो अब जो उनका किंगडम था, जो उनका राज था, उन्हें भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए उन्हें चाहिए था पुत्र। तब वो बोला पुत्री का हम क्या करें भाई। तो रोमपद महाराज जो थे उनका जो उनके दोस्त, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो रोमपद महाराज ने कहा ठीक है आप एक काम करो, आप अपनी पुत्री हमें दे दो, ठीक है, हम इसे पालेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। तो रोमपद महाराज को दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री दे दी। अब रोमपद महाराज के किंगडम में भी एक दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी, वो ये था कि पूरा बंजर था, वहां बारिश नहीं होती थी। कुछ उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे अपने पुराने काल में, पास्ट लाइफ में, तो उनका पूरा सूखा पड़ गया था राज्य में, बारिश होती ही नहीं थी। बहुत परेशान थे रोमपद महाराज भी, अरे ये क्या है भाई, बारिश ही नहीं हो रही है तो खेती बाड़ी कैसे होगी, खेती बाड़ी नहीं हुई तो अन्न कैसे आएगा, अन्न नहीं आएगा तो फिर हमारी प्रजा खाएगी क्या, बहुत परेशानी थी। तो उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा, ऋषि मुनि के पास गए कि बताइए इसका क्या उपाय है। कौन गए ऋषि मुनि के पास? रोमपद महाराज, रोमपद महाराज। किस लिए गए? मेरा रिजिया का भी नहीं कि कहां पूछने, कौन सा सवाल पूछने गए सारी है क्लास लेने का, राज में बारिश नहीं होता, बारिश नहीं हो रही तो वेरी गुड। कहां पे? चलिए हाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ था, चलिए तो आगे चलते हैं। तो बारिश नहीं हो रही बहुत परेशान, तो फिर वो ऋषि मुनि के पास गए। तो ऋषि मुनि ने बताया कि एक बहुत ही तपस्वी ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि श्रृंग,
ऋषि श्रृंग, ठीक है, आप ऋषि श्रृंग को अपने राज में बुलाइए, उनके कदम पड़ते ही बारिश हो जाएगी। अब रोमपन महाराज काफी परेशान हो गए, ऋषि श्रृंग को कैसे लाया जाए, ठीक है। अब ऋषि श्रृंग कौन है, थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूं पहले, फिर यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है। अब रोमपद महाराज को ऋषि श्रृंग को बुलाना था क्योंकि अपने राज्य में उनको बारिश करवानी थी। अब ऋषि श्रृंग जो है वो विपंडक ऋषि के पुत्र थे, विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि बहुत ही तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। एक मिनट रोकना चाहता हूँ, सब लोग ना नोट्स बनाइएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब नोट्स बनाइए, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, कंटिन्यू। ओके, तो देखो जो ऋषि श्रृंग थे वो विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि के पुत्र थे, किनके पुत्र थे, किनके पुत्र थे, विपंडक ऋषि, वेरी गुड। ये बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, बहुत ज्यादा तप करते थे, और इनका मतलब इन्हें तप से कोई भटका नहीं सकता, इतने तपस्वी थे। अब जब कोई तप करता है तब तब इंद्र को चिंता होने लगती है, किसे चिंता होने लगती है, इंद्र को क्यों चिंता होने लगती है, कोई बता सकते हैं क्यों चिंता होने लगती है, मतलब जो यज्ञ कर लेता है उसका डर रहता है इंद्र को कि इसका राज न चला जाए उसके हाथ से। जो जो पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें इंद्र लोक का राजा बना दिया जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं। हाँ, जो बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, वेरी गुड। तो इंद्र को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, अरे भैया ये तो तप करने लगे, और अगर बहुत ज्यादा तप कर लिए, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए इन्होंने, तब इनको मेरी गद्दी दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो क्या किए, उनके तप को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजने का फैसला लिया, ठीक है। इंद्र ने कहा कि हम अप्सरा को भेजेंगे और इनके तप को भंग कर देंगे, ठीक है, वो नाचेंगी गाएंगी, जिसकी वजह से ऋषि जो विपंडक ऋषि थे उनका तप भंग हो जाए। ये इंद्र ने प्लान बनाया, विपंडक ऋषि भी कम नहीं थे, बहुत तगड़ा, बहुत तपस्वी, बहुत जोरदार तप करते थे। तो बैठ गए, बोले आज तो हम उठेंगे नहीं, आज तो तप करके ही उठेंगे, देखते हैं कोई उठा दे तो उठा दे। उधर से इंद्रलोक ने भेजा, पहली अप्सरा को भेजा, वो नाच कर रही है, गान कर रही है, लेकिन विपंडक ऋषि उठ ही नहीं रहे, तप में लगे हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगे हुए हैं तप में। इंद्र की और चिंता बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, मेरी गद्दी तो गई हाथ से, कुछ करना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। गए ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े, ब्रह्मा जी कुछ करो, मेरे गद्दी बचा लो, लड्डू पेड़ा मेवा चढ़ाएंगे आपको, नारियल भी फोड़ देंगे, मेरी गद्दी बचा लो। ब्रह्मा जी भी बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोले आप ही कर सकते हो, आप कुछ करो, मेरी गद्दी बचा लो बस, नहीं तो मेरी गद्दी चली जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मेरे अंदर जितनी अप्सरा हैं उनसे पूछा जाए, पूछते हैं हम, देखते हैं। तो वो भी ब्रह्मा जी भी गए, उनकी जो अप्सराएं थी, बोले कोई भंग कर सकते हैं क्या इनका तप, तो बताइए, उन्हें इनाम दिया जाएगा अगर भंग हो गए तो। अब उसमें से एक अप्सरा थी जिनका नाम है हंसा, क्या नाम था, हंसा, हंसा, हंस नहीं, हंसा, हंस मत बोल देना, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएंगे, फिर मेरी अप्सरा को हंस बुला रहा है ये लोग, हंसा, हाँ हंसा, तो उनका नाम था हंसा। अब हंसा बोली हम तो जाएंगे, इनाम चाहिए, हम भंग करके आएंगे इनकी तपस्या को। अब वो हंसा गई, अब सोची कैसे ऋषि के तपस्या को भंग किया जाए। तो ऋषि मुनि को पसंद होता है वेदास, वेद का जो अध्ययन होता है, ठीक है, वेद स्मृति जो होती है वो सब बहुत पसंद होता है उन लोग को, कथा सुनना कीर्तन करना ये सब बहुत पसंद होता है, डांस गाना डिस्को में मजा नहीं आता उनको, ठीक है, हम लोग को डिस्को में मजा आता है, धिक्षना 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 हम लोग को मजा आता है इसमें, उन लोग को पसंद है कथा कथा कीर्तन। तो अब तक इंद्र जो भेज रहे थे वो लोग ढिस्कना 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 कर रही थी, ठीक है,
वो लोग डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, इसलिए भंग हो नहीं रहा था तपस्या उनका। हंसा अपनी खोपड़ी लगाई, बोले हम तो भंग करके रहेंगे, क्या किया जाए, तो हम वेद का अध्ययन करेंगे, ठीक है, वेद की स्तुति करेंगे। तो जहां तप कर रहे थे, कौन तप कर रहे थे, नाम याद है? विपंडक मुनि, विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि, हाँ विपंडक। तो वो तप कर रहे थे, वहां पे चली गई और उनके जस्ट पीछे बाजू में बैठकर वेद का अध्ययन करने लगी, वेद का स्मृति करने लगी, और इतने मधुर स्वर में कर रही थी कि विपंडक ऋषि से रहा नहीं गया। अब वो सोचे कौन है जो इतने मधुर स्वर में वेद का स्मृति कर रहा है, वेद को याद कर रहा है, उनका अध्ययन कर रहा हूं। विपंडक ऋषि गए देखने के लिए, भाई कौन है, जरा हम भी देखें, हम भी दर्शन करें। तो वो देखे एक हंसा नाम की अप्सरा बैठ कर उस वेद का अध्ययन कर रही है। वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि अरे कोई अप्सरा बैठ कर वेद का अध्ययन कर रही है, क्या बात है। जनरली अप्सरा जो है ढिकचना 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 करती है, लेकिन ये अप्सरा ढिकचना छोड़कर वेद का अध्ययन कर रही है। वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वो गए हंसा के पास, बोले आप बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ आपके इस वेद के अध्ययन से, ठीक है। तो वह पृथ्वी तपस्या छोड़कर आ गए हंसा के पास। लेकिन हंसा का तो क्या मोटिव था उनके तपस्या को? भंग करना, भंग करना। हंसा का यही उद्देश्य था, किसी तरह से आप तपस्या को भंग कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए, इनाम तो वे इंतजार कर ही रहा है ब्रह्मलोक में मेरे लिए। तो अब वरदान मांगने के लिए बोले विपंडक ऋषि, वरदान मांगो। तो हंसा ने कहा मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मुझे आप ही चाहिए। मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए, विपंडक ऋषि। क्योंकि उनको अगर छोड़ देती तो फिर से चल जाते तपस्या करने। तो बहुत चतुर थी हंसा, जैसे आप लोग चतुर हो, है ना। हे भगवान हम पढ़ाई नहीं किए लेकिन एग्जाम में पास करवा देना, पढ़ाई तो नहीं किया है लेकिन एग्जाम में क्या करवा देना, पास करवा देना, एग्जाम में पास हो जाए बस, बाकी पापा तो इनाम दे ही देंगे हम। तो वैसे ही हंसा भी बहुत चतुर थी, बोली अब तो भंग हो गया है, भंग तो नहीं हुआ है, फिर वापस बैठ जाएंगे, इससे अच्छा है शादी कर लें इससे हम, अगर शादी में फंस गए तो मेरे चारों ओर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपंडक ऋषि समझ गए, विपंडक ऋषि भी चतुर थे भाई, जितने भी थे वो ऋषि थे, वो समझ गए इनकी मनसा अच्छी नहीं है, हंसा की मनसा अच्छी नहीं है, हंसा की मनसा अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। हाँ तो समझ गए वो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मुझसे शादी करके पुत्र की प्राप्ति करनी है। हंसा ने कहा हाँ मुझे आपको शादी करके पुत्र की प्राप्ति करनी है। बोले ठीक है मैं आपको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन विवाह नहीं कर सकता। लेकिन विवाह क्या बोले, विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पुत्र की प्राप्ति का तो वरदान देता हूँ, चलो जाओ आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन विवाह नहीं कर सकता। अब हंसा फंस गई, बोली बिना पिता के पुत्र तो हम क्या करेंगे, पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, उसको वरदान मिल गया कि पुत्र की प्राप्ति का, लेकिन पिता ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या, दुनिया भी बोलेगी पुत्र किसका है। बहुत घबरा गई, विचलित हो गए पूरी तरह से। अब बोली अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, मेरे को तो फंसा दिया इस ऋषि ने। तो बगल से एक हिरण गुजर रहा था, कौन गुजर रहा था, हिरण हिरण हिरण, भैंसा नहीं गुजर रहा था, हिरण गुजर रहा था, याद रखना। तो हिरण गुजर रहा था बगल से, तो हंसा ने क्या किया, वो पुत्र जो है वो हिरण के गर्भ में दे दिया। किसके गर्भ में दे दिया,
हिरण के गर्भ में। हाँ, अब पुत्र को दे दिया हिरण के गर्भ में, ठीक है। अब हिरण मम्मी जी मम्मी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हिरण ने एक प्यारे से सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब उस बच्चे का रूप था मानव की तरह, रूप तो मानव की तरह ही था, क्योंकि वो किसके पुत्र थे बच्चे, तो बच्चे का पिता कौन थे, हंसा के पिता, पिता कौन थे, विपंडक नारद, विपंडक ऋषि थे। हाँ, पिता थे विपंडक ऋषि, लेकिन उस पुत्र को जन्म किसने दिया, हिरण ने, हिरण ने, ठीक है। क्या हिरण के सिंह होते हैं, क्या सिंह, हाँ हाँ होते हैं, के सिंह होते हैं, होता है ना, वेरी गुड। तो एक्चुअली हिरण ने जन्म नहीं दिया, हिरनी ने जन्म दिया। हिरण कैसे जन्म दे सकता है ना, किसने जन्म दिया, हिरनी, हिरनी ने, हाँ हिरनी ने जन्म दिया। आप लोग पकड़े नहीं, मैंने हिरण बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हिरनी ने जन्म दिया जिसके पिता थे विपंडक ऋषि। वो पिता तो विपंडक ऋषि से, तो जो जन्म हुआ बच्चे का वो मानव का जन्म था, मानव के बच्चे का जन्म था, लेकिन उसके सर पे दो सिंह लगे थे। मतलब समझ रहे हो, कोई बालक जन्म लिया लेकिन सर पे क्या लगे हैं, दो सिंह, सिंह लगे हुए, ठीक है, सिंह लगे हुए। और इसी बच्चे का नाम पड़ा ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग, हाँ, क्योंकि वो ऋषि के बेटे थे इसलिए ऋषि रखा गया, और दो सिंह आ गया ऊपर में तो श्रृंग रख दिया गया, तो इन्हीं का नाम पड़ गया ऋषि श्रृंग, श्रृंग, हाँ ठीक है। तो यही ऋषि श्रृंग थे। अब जंगल में जैसे ही उनका जन्म हुआ, अब हिरण देखिए, अरे बाबा रे, तो मेरी तरह दिखता ही नहीं है, इसको हम पालेंगे कैसे। हिरण भी घबरा गए, भागो यहाँ से जल्दी, ये कौन आ गया। हिरण छोड़ के भागी बच्चों को, ठीक है, और हंसा भी भाग गई। अब बच्चा जंगल में आकर क्या 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 रो रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा था, जल्दी बताओ। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा, अब जोर जोर से रोने लगा, ठीक है। अब विपंडक ऋषि उसी जंगल में तप कर रहे थे, उनके कानों में आवाज गई बच्चे की रोने की, अरे ये कौन रो रहा है भाई, इतनी जंगल में यहाँ पे कौन बच्चा आ गया, सब परेशान। विपंडक ऋषि ढूंढने लगे आवाज कहाँ से आ रही है, तो ढूंढते 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 उस बच्चे तक पहुंच गए। देखा, अरे ये तो मेरी शक्ल का मिलता जुलता आदमी है, मुझसे इसके चेहरे मिलते हैं, ठीक है। वो तुरंत समझ गए ये किसका पुत्र है, मेरा ही पुत्र, मेरा ही पुत्र है। लेकिन किसने जन्म दिया, हिरनी ने, ने जन्म दिया, क्योंकि हंसा ने क्या किया था, गर्व एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर दिया, अपने पुत्र को हिरण के घर में डाल दिया था, ठीक है। जल्दी से एक बार देखते हैं, शांता किसकी पुत्री थी, शांता याद है, बताया था, राजा दशरथ की थी, हाँ, लेकिन उन्होंने शांता को किसे सौंप दिया, रोमपद राजा, राजा रोमपद को, हाँ, रोमपद महाराज ऋषि श्रृंग को क्यों बुलाना चाहते थे, क्योंकि उनके प्रजा में सुखा, क्योंकि उनके यहाँ बारिश नहीं होती थी, क्वेश्चन का आंसर दूसरे लग गया, वेरी गुड, क्वेश्चन का आंसर हरिओम और प्रियदर्शन बुलाना चाहते थे, अमित प्रभु, अमित प्रभु, क्वेश्चन का आंसर अब हरिओम और प्रियदर्शी नहीं देगा, दूसरे लोग देंगे, हरिओम और प्रियदर्शी खाली आंसर दे रहा है। अच्छा, हरिओम प्रियदर्शी आप दोनों म्यूट रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक रोमपद महाराज किसके मित्र थे, सनातन बताइए, सनातन ऑडियो का बताओ। मैं तो पहले नहीं था, मतलब थोड़े देर आगे ज्वाइन किए। अच्छा, थोड़े देर पहले ज्वाइन किया। अच्छा, कोई बता सकता है, हरिओम और प्रियदर्शी छोड़कर रोमपद महाराज किसके मित्र थे, दशरथ, दशरथ जी के, वेरी गुड, दशरथ।
तो अब कहानी है, अब रोमपद महाराज ऋषि सिंह को बुलाएंगे। अब ऋषि सिंह का जन्म तो हो गया, जिनके सर पे दो सिंह, सोचो आपके सर पे दो सिंह आ जाए, एक इधर से, कितने प्यारे प्यारे दिखोगे आप लोग भी, ठीक है। अब छोटे से बच्चे के सर पे दो सिंह आ गया। अब विपंडक ऋषि सोचा, अब इसको तो मैं दुनिया के सामने से छिपा के रखूंगा, वरना ये माया में चला जाएगा, क्योंकि वो तपस्वी थे। उन्होंने कहा मैं इसे भी क्या बनाऊंगा, अपनी तरह तपस्वी बनाऊंगा, तपस्वी बनाऊंगा, ठीक है। ये भी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, ठीक है। तो इसे बच्चे को उठाकर चले अपने साथ लेकर जंगल, और वहां वो तप करने लगे और बच्चे को भी रखने लगे, ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा क्या बड़ा होने लगा। हाँ, छोटा नहीं होने लगा, छोटा तो था ही वो, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, और बड़ा होकर किस नाम से जाना जाने लगा, वेरी गुड है ऋषि। क्यों ना, क्योंकि वो ऋषि का पुत्र था, श्रृंग क्योंकि उसके सर पे दो सिंह आ गए थे। हाँ, तो वो ऋषि श्रृंग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। चारों तरफ उसकी छाती भी फैलने लगी धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत सारा आदर सत्कार था उनके अंदर, बहुत सारी स्वीकृति थी उनके अंदर। ब्रश भी करते थे, पूछते पापा ब्रश कर लूं, पापा बोलते थे हाँ बेटा ठीक है पापा जा रहा हूँ ब्रश करने, नहाने से पहले बोलते पापा नहा लूं, हाँ बेटा ठीक है पापा जा रहा हूँ नहाने, ठीक है पापा खा लूं, हाँ बेटा ठीक है पिताजी जा रहा हूँ खाने। तो बहुत ही आदर था उनमें, अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है, हर चीज पिताजी से पूछ कर करते थे। छोटी से छोटी काम भी हो तो पिताजी से पहले राय लेते थे वो, पिताजी ये करना चाहिए या नहीं, गलत है या सही है, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, हर चीज पिताजी से पूछ कर करते थे। बहुत ही आदर, उनका संस्कार भी वैसे ही हुआ था जंगल में। विपंडक ऋषि ने बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया था, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। तो जब बड़े हो गए तो विपंडक ऋषि तो सुबह में चले जाते थे तप करने, शाम में वापस आते थे अंधेरे होने पे। तब तक दिन भर ऋषि श्रृंग घर का ध्यान रखते थे, घर में रहते थे, ठीक है, खाना बनाते थे ताकि मेरे पिताजी आए तो फिर वो खा सके। तो अब रोमपद महाराज को पता चला कि ऋषि श्रृंग इसी जंगल में रहते हैं, अब बुलाया कैसे जाए ऋषि श्रृंग को, बहुत दुविधा वाली बात है। बोलिए प्रभु जी, रोमपद महाराज ऋषि श्रृंग को कब बुलाना चाहते थे, तभी वो बच्चे ही थे? नहीं बच्चे नहीं, जब वो बड़े हो गए, अब बड़े हो गए ना, अब बच्चे में कैसे बुलाएंगे, आके रोना थोड़ी है वहां पे, आके पैर रखना है, ठीक है। तो अब बड़े हो गए ना, तो बड़े हो गए ऋषि श्रृंग, तो उसके बाद वो बुलाना चाहते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऋषि श्रृंग कहाँ से आए और उनकी क्या जीवनी थी, पीछे की क्या कहानी थी प्रभु जी, क्यों इनका नाम ऋषि श्रृंग पड़ा प्रभु जी। विपंडित मुनि तो खुद तपस्वी थे, तो अपने मतलब बच्चा ऋषि श्रृंग महाराज का कैसे पालन पोषण किया? अच्छा, नहीं नहीं, तो क्या पिता कोई पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता क्या? मतलब वो तो तपस्वी थे, उनका खुद खाना पीना का ठिकाना नहीं था, कैसे कर? नहीं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो आपको वो निभानी पड़ती है। जैसे सोचो आपके जब पिताजी अकेले होंगे तो उतना ध्यान नहीं रखते होंगे, अकेले रहते होंगे, कभी खाते होंगे कभी नहीं खाते होंगे। जैसे मैं अभी इंदौर में अकेला रहता हूँ, वाइफ नहीं है, एक टाइम खाता हूँ, बाकी दोपहर में फिर नहीं खाता हूँ, फिर रात में खाता हूँ सीधा, ठीक है। मैं अकेला हूँ, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन हाँ अगर वाइफ आ गई तो मुझे तीन टाइम का खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, यस करना पड़ेगा ना, भले ही मैं अभी नहीं खा रहा हूँ चलेगा, ठीक है। मैं भले ही एक ही टाइम खाना खाता हूँ, अभी एक ही टाइम प्रसाद लेता हूँ,
लेकिन वाइफ आएगी तो उनको तो तीनों टाइम का प्रसाद अवेलेबल मुझे करवाना पड़ेगा, वरना बोलेगी खुद भी भूखे रहते हैं मुझे भी भूखे रहते हैं, मैं जा रहे हूँ छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ, बस हो गया मेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, फिर दुविधा हो जाएगी। तो यही चीज है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर निभानी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडक किसी के पास भी आ गई, अब बच्चे उनके पास है, उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, ठीक है। देखो ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी, ओके, आपकी जिम्मेदारी आपके पिता को दी है, पिता की जिम्मेदारी आपकी माता को दी है, उनका ध्यान रखें, ठीक है, आप भी भविष्य में जाके किसी की जिम्मेदारी उठाओगे तो वो आपको निभानी पड़ेगी, वो भी आपका एक धर्म है, ओके। जो भी चीज आपके अंदर है आपको उसका ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि अंत में सब तो भगवान का ही है ना, वो उनके पास वापस चला जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास वो चीजें दी गई है आपको उस चीज का केयर करना है। यस सर, ठीक है। तो विपंडक ऋषि के तो छोटे से बच्चे थे, वो बड़े हो गए, तो अब रोमपट महाराज बोले कैसे बुलाया जाए, तो बोले एक ही रास्ता है, जब विपंडक ऋषि तप करने चले जाते हैं सुबह में से शाम तक तप में रहते हैं, उस टाइम में ऋषि श्रृंग को पकड़ के लाया जा सकता है, बोले हाँ ये अच्छा उपाय है। तो रोमपट महाराज ने क्या किया, उनके राज्य में जो अप्सराएं थी, सबसे सुंदर जो अप्सराएं थी, उनको दाढ़ी मूछ लगा के ऋषि बना दिया, क्या कर दिया उनको, उनको छूती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए अप्सरा को ऋषि बना दिया, दाढ़ी मूछ लगा के एकदम शानदार बड़ा सा दाढ़ी मूछ लगा दिया, सब ऋषि बना दिया, काले 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 ऑरेंज कलर के पूरे वस्त्र पहना दिए, और नाव से जंगल की ओर प्रस्थान करके भेज दिया गया, उनको कुटिया उटिया बना के नाव में जंगल भेज दिया गया कि जाइए ऋषि श्रृंग को लेकर आइए। अप्सरा अप्सरा गई जंगल, उनसे बातें करने लगी, आप कैसे हो, आप बहुत सुंदर लगते हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, उनसे मित्रता करने लगी। अब ऋषि श्रृंग भी पहली बार अपने पिता के अलावा किसी और को देखे थे, क्योंकि जंगल में कोई आते नहीं थे, तब उनको बहुत अच्छा लगा ऋषि श्रृंग को किसी और से मिलने में, बहुत बढ़िया लगा, अरे इनकी क्या मधुर मधुर आवाज है, वो छूती है तो आ हा कितना सुंदर लगता है, मेरे पिताजी छूते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन ये छूती है तो बड़ा बढ़िया लगता है, आवाज ही बहुत मधुर है इनकी, ये कौन ऋषि आ गया, बहुत अच्छे ऋषि है भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मित्रता करने लगी, अब मित्रता की तो उसके बाद वो ऋषि श्रृंग को बोली कि चलिए आप हमारे भी राज्य चलिए, हम आपकी भी सेवा करना चाहते हैं, हम तो आपके राज्य आ गए, आपने मुझे बहुत अच्छा सेवा किया हमारा, अब हम चाहते हैं जरा आप हमारे राज्य भी चलें, थोड़ा नाश्ता पानी इंतजाम कुछ हो जाए आपको करवा दें, प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा फिर आ जाइएगा, फिर आपको हम छोड़ देंगे। ऋषि श्रृंग सोचे हाँ पिताजी तो अभी तप पे गए हैं, थोड़े समय की बात है, जरा राज घूम के आ लिया जाए, मैं वैसे भी कहीं मिला नहीं हूँ किसी से, मेरे 20 साल तो ऐसे ही गुजर गए इधर जंगल में, थोड़ा चलो इनके साथ जाकर जरा राज का भ्रमण करके आ जाते हैं। तो वो निकले, किनके साथ निकले, किनके साथ, अप्सराओं के साथ, वो जो एक अप्सरा जो ऋषि मुनि बन के आई थी उनके साथ घूमने फिरने के लिए तब चले गए उनके राज। वो तो सोचे थे ऋषि हैं। अभी आप कितने साल बोले, मैं बोला हूँ लगभग 20 साल 25 साल जो भी उम्र हुआ हो उनका, ठीक है, अब उम्र का पता मुझे नहीं है कितना साल था, लेकिन लगभग बड़े तो हो गए थे। तो उसके बाद वो अप्सरा जो ऋषि बन के आई थी उनके साथ चले गए अंग देश। रोमपट महाराज के राज का क्या नाम था, अंग देश नाम था, हाँ। तो वो ऋषि चुपचाप से ऋषि श्रृंग को अपने नाव पे बिठा के अंग देश की ओर बढ़ पड़ी।
अब अंग देश में नाव लगी। अब जैसे ही उनके कदम अंग देश में पड़े ऋषि श्रृंग के, जोरदार क्या शुरू हो गई? बारिश। हाँ, जोरदार की बारिश शुरू हो गई। पूरा राज्य फंस उठा, चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है, जितने भी फसल मुरझा गए थे सारे खिल उठे, सारे फूल पत्तियां सारी खिलने लगी, लोग नाचने लगे, गाने लगे। ठीक है, अब विपंडक ऋषि को पता चल गया, उनको वो ऋषि थे, वो ध्यान से में थे, उनको पता चला मेरा पुत्र जंगल में नहीं है। तो पता चला कहाँ है भाई, तो पता चला अंग देश चला गया है। ठीक है, अब उधर रोमपद महाराज भी घबरा रहे थे, कहीं विपंडक ऋषि ने श्राप दे दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो चोरी चोरी चुपके चुपके किए थे, चोरी चोरी चुपके चुपके लेकर आए थे। ठीक है, तो बहुत दुविधा में पड़ गए रोमपद महाराज। बोले एक उपाय है, रोमपद महाराज की पुत्री कौन थी वहां पे, जिनको दशरथ महाराज ने दिया था? शांता। वेरी गुड, शांता, वेरी गुड। तो फिर क्या किया गया, फिर रोमपद महाराज सोचे शांता का हम विवाह कर देते हैं ऋषि श्रृंग से। ठीक है, अगर विवाह हो गया तो शांता क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी। किसकी बहू बन जाएगी? विपंडक ऋषि की बहू बन जाएगी। और बहू बन गई तब तो वो श्राप फिर नहीं देंगे। ठीक है, तो वो विपंडक ऋषि के आने से पहले जल्दी जल्दी सात फेरे करवा दिए। किसके किसके सात फेरे करवा दिए? ऋषि श्रृंग और शांता के। जल्दी 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 सात फेरे करवा दिए। अब जैसे विपंडक ऋषि आए, बोले सत्यानाश, हम कहां इसे माया से दूर रखना चाहते थे, और ये जाके पूरे माया में ही चला गया। बचपन में तो बरस भी मेरे से करके पूछता था, पिताजी बरस कर लूं, पिताजी नहा लूं। और अभी देखो ये बिन पूछे शादी कर लिया, मेरे से पूछा भी नहीं, इतना बड़ा काम कर लिया। और बचपन में सब मेरे से पूछ कर किया करता था। बोले अब छोड़ो, जाने दो, कर लिया सो कर लिया। अब रोमपद महाराज बोले ऋषि को, वो समझाए, उनका पैर धोए, स्वागत किया उनका विपंडक ऋषि का। बोले कृपा क्रोधित ना होए, इस ऋषि श्रृंग को हम अपने राज्य का राजकुमार बनाना चाहते हैं, यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं, जो ये पूरे राज्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऋषि श्रृंग अंग देश के राजा बन गए। ठीक है, तो रोमपद महाराज की तो सारी सोल्यूशन का हाल हो गया, सारे उनके जो दुख पीड़ा दर्द, ठीक है, सारे खत्म हो गए। लेकिन दशरथ महाराज की पीड़ा अभी भी थी। क्यों पीड़ा थी उनको? क्योंकि उनके पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र नहीं हो रहे थे। हाँ, तो उनकी पीड़ा अभी भी थी कि उनके पुत्र नहीं हो रहे थे। बहुत दुविधा में बोले मेरा मित्र के तो सारे समस्याओं का हल हो गया, लेकिन मेरी समस्या वही की वही है। तो दशरथ महाराज के एक मिनिस्टर थे, उनके सहयोगी थे, समानता, आप सुने होंगे नाम समानता, समानता सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे ये? राजा दशरथ। राजा दशरथ, उन्होंने कहा कि देखिए आपने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए, कोई फल नहीं मिला, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक काम करिए, इस बार जो आप है, ठीक है, पुत्र कामेष्टु यज्ञ करवाइए। पुत्र की कामना करने के लिए जो यज्ञ होता है उसे पुत्र कामेष्टु यज्ञ बोलते हैं, ये करवा रही है। और ये यज्ञ करवाइए ऋषि श्रृंग के द्वारा, क्योंकि ऋषि श्रृंग जो है उनके आने से रोमपद महाराज के सारे समस्या का हल हो गया, तो आपके भी समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऋषि श्रृंग के द्वारा ये पुत्र कामेष्टु यज्ञ करवाइए, इससे आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी। दशरथ महाराज बहुत खुश। ठीक है, बोले अरे तो अपना ही दामाद है। किसका दामाद है? अपना ही। ऋषि श्रृंग किनके दामाद थे एक्चुअल में? अपना ही दामाद है। ऋषि श्रृंग तो दशरथ के दामाद थे ना, उन्हीं की तो पुत्र थी शांता। बोले ये तो अपना ही आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से महाराज द्रौपद के बहुत अच्छे मित्र भी थे। हाँ, महाराज द्रौपद के बहुत अच्छे मित्र भी थे।
ठीक है। तो बोले कोई बात नहीं, ऋषि श्रृंग को बुलाया जाए। तो उन्होंने बोला पुत्र कामिष्ठि यज्ञ क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए पूरा पुत्र कामिष्ठि यज्ञ का बंदोबस्त किया गया चारों ओर, ठीक है, एकदम प्योर एक्यूरेसी के साथ करना है। थोड़ी सी भी अगर गलतियां हो गई इस यज्ञ में तो वहां चारों ओर ब्रह्म राक्षस घूमते रहते थे। कौन घूमते थे? ब्रह्म राक्षस। अगर गलती हुई तो फिर कोड़े पड़ेंगे, फिर पनिशमेंट मिलता था जो गलती करता था उसे, ठीक है, उन्हें वो पनिशमेंट देते थे। तो यही इसलिए इस यज्ञ को बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता था, एक चीज का, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता था इस यज्ञ में, ठीक है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, ठीक है, यज्ञ बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। अब यज्ञ करते 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 यज्ञ चल रहा था, एकदम पूरा तप के साथ यज्ञ चल रहा था, ऋषि श्रृंग यज्ञ किए जा रहे थे, और अचानक यज्ञ के बीच में विष्णु दूत प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? विष्णु दूत। हाँ, और उनके हाथ में घड़ा था, और घड़ा में था खीर भरा हुआ। घड़ा में क्या था? खीर भरा हुआ। टेस्टी मीठा मीठा खीर था। कौन प्रकट हुए थे? लेके विष्णु दूत लेकर प्रकट हुए, ठीक है। यानी यज्ञ क्या हो गया था? सफल हो गया था। क्या हो गया था यज्ञ? सफल हो गया था। हाँ, अब इस खीर को ले जाकर उन्होंने दिया, किसे देंगे खीर को? किसे चाहिए खीर? राजा दशरथ जी को। हाँ, पुत्र की प्राप्ति करनी थी उन्हें, तो राजा दशरथ जी को खीर दिया गया। बोले आप जाओ ये खीर अपने पत्नी को दे कराओ, ठीक है। तो राजा दशरथ की तीन प्रिय पत्नी थी, एक का नाम था केकई, दूसरे का नाम था कौशल्या, तीसरे का नाम सुमित्रा। वेरी गुड, शाबाश। तो केकई, सुमित्रा और कौशल्या तीन उनकी धर्म पत्नी थी, ठीक है। तो उन्होंने खीर ले गए, वो खीर लेकर गए, बोले हम खीर लाए आपके लिए, इनसे आपको क्या प्राप्त होगा? पुत्र प्राप्ति होगी आपको इनसे। वेरी गुड। तो पहले खीर, आधा खीर पूरा दे दिया गया कौशल्या महारानी को, आधा खीर दे दिया गया कौशल्या महारानी। अब और आधा का आधा खीर वो दे दिया गया सुमित्रा महारानी को, 25% सुमित्रा। हाँ, पहला 50% दिया गया कौशल्या महारानी को, फिर उस 50 का 25% दिया गया सुमित्रा महारानी को, और 25% का फिर 12.5% उसका भी आधा वो दिया गया केकई, ठीक है। अभी भी 12.5% बचा हुआ था। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? किसको दिया गया पहले आधा? किसको दिया गया? कौशल्या को। कौशल्या महारानी को, उसके बाद दिया गया 25% सुमित्रा महारानी को, उसके बाद 12.5% दिया गया कैकेयी महारानी को। हाँ, तो अभी भी खीर बचा हुआ है या खत्म हो गया? 12.5% अभी भी बचा है। बचा हुआ, अभी भी थोड़ा बचा हुआ था खीर, तो वो बचा हुआ खीर और फिर से दे दिया गया सुमित्रा महारानी को। यानी सुमित्रा महारानी को दो बार खीर मिल गया खाने की, केकई को मिला एक बार और कौशल्या महारानी को भी एक बार। अब तो कौशल्या महारानी ने इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट में खीर खाए, आधा खीर खा गई वो, तो उनसे राम जी जन्म लिए। किनका जन्म हुआ? भगवान राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ। उसके बाद सुमित्रा महारानी ने दो बार खीर खाया, एक बार जन्म हुआ भगवान लक्ष्मण का। किनका जन्म हुआ?
लक्ष्मण का, लक्ष्मण। हाँ, चारों भाई के नाम बता सकते हो कौन कौन से एक बार? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। हाँ शत्रुघ्न, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक कौशल्या महारानी से जन्म हुआ भगवान राम का। अब सुमित्रा महारानी से जन्म हुआ शत्रुघ्न, ठीक है, भगवान शत्रुघ्न का और भगवान लक्ष्मण का, दो का जन्म हुआ। और केकई महारानी से जन्म हुआ भरत का। इनका जन्म हुआ भगवान भरत। हाँ ठीक है, अब चारों का यहाँ पे जन्म हुआ। जैसे भगवान लक्ष्मण और भरत से सीनियर तो, सॉरी, भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न से सीनियर तो भरत भगवान थे ना? सब पहले राम बड़े थे सबसे। सबसे बड़े कौन थे? राम, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। तो जिस जिस समय जन्म हुआ भगवान का, भगवान राम का, वो चैत्र का महीना था और 9 तारीख थे, इसलिए रामनवमी बोलते हैं। रामनवमी यानी राम नौवे दिन राम का जन्म हुआ था, 9th डेज में। कब जन्म हुआ था उनका? 9th डेज में, 9th डेज, इसलिए रामनवमी बोलते हैं। नवमी मीन्स नवा दिन, ठीक है। रामनवमी मनाते हो आप लोग? खीर खाने के बाद नवा दिन। हाँ, खीर खाने के बाद 12 महीने के बाद, खीर खाने से 12 महीने के बाद नवा दिन उनका जन्म हुआ। खीर खाने के 12 महीने के बाद 9th डेज जो हुआ उसमें उनका जन्म हुआ, ठीक है, जिसको राम नवमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक है। अब राम का मतलब क्या हुआ? जो हृदय को आनंद प्राप्त है, राम। आप आंख बंद करके सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो जल्दी से। रमन आंखें बंद कीजिए, रमन राज आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए अपना, और हृदय से बोलिए राम, बोलिए राम राम, ठीक है। हृदय को बहुत प्राप्ति होगी, बहुत शांति की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो राम का मतलब हुआ जो आपके हृदय को आनंद दे, ठीक है, जो आपको संतोष प्रदान करे, जिनमें मर्यादा हो, उन्हें भगवान राम कहा गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण बोला गया है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से आया, लक्ष्मी मतलब जो सेवा का भाव हो, जिसमें लक्ष्मी क्या करती है? हरि की सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है। तो लक्ष्मण आया है लक्ष्मी से, यानी जिनमें सेवा का भाव हो। इसलिए देखो भगवान लक्ष्मण जो थे वो हमेशा राम के साथ उनकी सेवा करते थे। करते थे या नहीं करते थे? करते थे। उनके साथ जंगल तक चले गए कि हम भी 14 साल के बनवास जाएंगे तो जाएंगे, बस नहीं लेगोगे तो पीछे पांव पकड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन इसलिए उनमें सेवा का भाव था, वो हमेशा सेवा करना चाहते थे अपने बड़े भाई का, अपने छोटे भाई का, सभी का। जो भरत थे, भरत मतलब होता भार, भार, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दूसरों के भार उठाए हुए थे, सभी का भार लिए हुए थे, ठीक है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, घर का भार था, राज का भार था, बड़े भाई का, छोटे भाई का, सबका भार लिए हुए थे, ये थे भरत, ठीक है। तो इस तरह से सभी का, सभी भाई का नाम रखा गया। मित्रता का भाव था शत्रुघ्न में, सबसे छोटे थे वो, ठीक है, वो जो भी ट्रेजेडी थे उन सबका ध्यान रखते थे वहां पे। तो भाई का नाम रखा गया सभी का, उसके अकॉर्डिंग में जैसा जैसा जिनका व्यवहार था, पहले जो नाम रखा जाता था लोगों का, उनके व्यवहार के अनुसार, उनसे कर्म के अनुसार नाम दिए जाते थे, ठीक है। तो उन सबका नाम रखा गया। तो इस तरीके से हमारे श्री राम जी का क्या हो गया, क्या हुआ? जन्म हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यार जोरदार आवाज आना चाहिए, जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय।
चलिए तो यहाँ तक उनका जन्म की कथा प्रारंभ हुई अभी, ठीक है। अब अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे भगवान राम का जन्म हुआ और हम हर साल उनके जन्म को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? रामनवमी के रूप में मनाते हैं। वेरी गुड। हरे कृष्ण। इनका सवाल है यहाँ का कुछ? दीक्षा, प्रियदर्शी, विशाखा, रमन, ललित, सनातन, हरिओम, सत्यम, वत्सल, साक्षी, लोभ्या, कृष्णा, नारायण, आदित्य, काजल, रोहन, अनन्या, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? तो अमित प्रभु ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को भगवान राम के जन्म का कथा बताया, किस तरीके से जो है ऋषि सृंग रोमपाद महाराज के देश में आए, फिर रोमपाद महाराज के देश से वो दशरथ महाराज के देश गए, अयोध्या गए और वहां पे उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो अमित प्रभु ने बहुत ही सुंदर से बताया। आप लोगों को समझ में आया अमित प्रभु ने जो बताया? यस सर। यस प्रभु जी। अच्छे से? यस सर। ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, जो अमित प्रभु ने बताया कि मतलब पहले के जमाने में मतलब उनके कर्म के हिसाब से मतलब उनका नाम रखा जाता है, तो जन्म के बाद ही क्या उनका कर्म हमें पता चल जाता है? प्रभु आंसर देना चाहेंगे? अनुराग ने पूछा कि क्या जन्म के वक्त ही उनका कर्म पता चल जाता है क्या? नहीं नहीं, जन्म होते कर्म पता नहीं चल जाता, ठीक है, आप सही है, जन्म होते कर्म पता नहीं चल जाता, ठीक है, लेकिन जो जन्म दे रही है ना, जैसे जो जन्म हो रहा है तो उससे आभास हो जाता है। जो भी ऋषि मुनि जो नाम रखते थे, जैसे उनका आप लोग देखे, आप लोग का भी नाम रखा होगा, नक्षत्र देख के किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, किस समय आपका जन्म हुआ, तो वो समय क्या है, उस जैसे रावण का जब जन्म हुआ था तो वो बहुत बुरा माहौल था, उस समय जो नक्षत्र थे सब बहुत ही गड़बड़ चल रहे थे, ठीक है, तो उस समय जो चारों ओर मतलब वो चारों ओर पूरा अंधेरा छा गया था जब रावण का जन्म हुआ था, वो आगे की कहानी में बताया जाएगा। लेकिन जब राम का जन्म हुआ था उस समय चारों तरफ पूरा उजाला था, ठीक है, कोयल चहका रही थी, बारिश हो रहे थे मधुर मधुर, सूर्य की रोशनी भी हल्की चमक रही थी, ठीक है, चारों ओर खुशी का माहौल था। तो जब किसी का जन्म होता है ना, तो उस समय जो आपके आसपास में जो प्रकृति होती है वो भी उसका स्वागत करती है, तो उसके अनुसार पता चल जाता है कि सामने वाला जो जन्म हुआ है, जन्म लिया है, वो कौन है, उसका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है, वो आगे भविष्य में क्या करेगा, ठीक है, तो इसके अनुसार फिर उनका नाम, वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उनका नाम दिया जाता था। ग्रह नक्षत्र द्वारा आपका एक नाम रखे होंगे आपकी कुंडली के द्वारा, आप पूछना अपने पिताजी से, आपका भी एक नाम होगा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु जी। बोल रहे हो ऋषि सिंह जो 20 साल जिस वन में कटाए थे उसका नाम क्या था? उनका नाम जैसे जैसे ही आप जो उनके पिताजी थे, जैसे ही ऋषि सिंह को उन्होंने देखा, ठीक है, तो वो उन्होंने सोचा ये तो मेरा ही पुत्र, एक ऋषि का पुत्र है। अब चूंकि उनका सिंह भी है इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया ऋषि सिंह, ठीक है, तो विपंडक ऋषि ने खुद उनका नाम रखा ऋषि सिंह, बचपन से ही उनका ये नाम था। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अमित प्रभु आप देख सकते हैं बच्चे लोग कितने इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, तो, छोटा सा प्रश्न है। हाँ जल्दी पूछिए। प्रभु जी, शत्रुघ्न होता है या शत्रुघ्न होता है? शत्रुघ्न होता है, शत्रुघ्न। ओके प्रभु। हाँ, तो अनुराग ने जैसे बताया कि कैसे नाम पड़ता है, तो अमित प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि देखिए हमारा ना जन्म कुंडली होता है,
हम लोग किस समय जन्म लेते हैं उसके हिसाब से कुंडली बनता है। फिर जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो आसपास का वातावरण में भी बहुत चेंज हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा है, जब वो कलयुग में आए तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। उस टाइम जो था उस टाइम चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण में जब ग्रहण खत्म होता है तो लोगों को जाके गंगा में नहाना पड़ता है, तो सब लोग पूरा भीड़ था एकदम। गंगा नदी जो आपका मायापुर में है, वो गंगा नदी के चारों तरफ सभी घाट में लोगों का भीड़ था, सब लोग नहाने आए थे और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ही आए हैं, भगवान ही ऐसे टाइम पे अच्छे टाइम पे आते हैं। उसी तरह भगवान राम का भी जब जन्म होता है तो ऐसा ही अच्छा टाइम था। लेकिन जब रावण का जन्म होता है तो रावण का जन्म होते समय ना ऊपर से जो है मेघ से पानी नहीं गिरता है, टॉयलेट गिरता है, ऐसा बताया जाता है कि टॉयलेट मेघ से गिरता है, खून गिरता है मेघ से, तो सबको पता चलता है सबसे गड़बड़ आदमी का जन्म होने वाला है ना? बिजली कड़क रहा था उस टाइम, कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्ता रोने लगता है। जब कोई गलत आदमी का जन्म होता है ना तो कुत्ता खूब जोर जोर से रोता है, तो पता चलता है कि बहुत गड़बड़ आदमी। ठीक है, तो ठीक है, अमित प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे, आज का बहुत ही सुंदर क्लास अमित प्रभु ने लिया। तो फिर प्रभु जी मेरा और एक क्वेश्चन है। नहीं नहीं अभी अभी और क्वेश्चन है, टाइम हमारा हम लोग बहुत लेट हो गए। बाद में क्वेश्चन पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है? और अभी जो है सोमा जो है ना नरसिंह आरती हारमोनियम पे गा के हम लोग को सुनाएगी, क्योंकि पिछले बार उसका नहीं सुन पाए थे, तो हम लोग अभी देखेंगे सोमा का नरसिंह आरती। ठीक है, तो आप लोग रेडी है नरसिंह आरती सुनने के लिए? यस प्रभु जी, हरि बोल। आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा सब बच्चे, आप लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सोमा दिख रही है? सोमा हरे कृष्णा बोलो वहां को। हरे कृष्णा। वेट फर्स्ट बोल, हाँ सुना बोले हरे कृष्ण आवाज आ रही है, कृष्ण आवाज आ रही है सब कुछ। हरी बोल, हरी बोल, हाँ आ रही है, आ रही है। प्लीज स्टार्ट।
हरे कृष्णा, आवाज आई सबको? हरे बोल। यस प्रभु जी। कैसा लगा? यस प्रभु जी, अच्छा था। क्या सुनाई दिया? हाँ प्रभु। यस सर। और तबला का? हाँ यस सर। तो जो तबला बजा रहा था उसका नाम है जीत। वो मेरे घर के बगल में रहता है, मेरा भाई है, और ये सोमा है। तो सोमा और जीत के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप लोग में भी जो लोग ऐसा टैलेंट है जिनके पास भी, जो लोग मृदंग जानते हैं वो किसी दिन हमको बोल सकते हैं, उनको भी हम लोग चांस देंगे, ठीक है? हरिओम है। और कौन है? और किसी को आता है कुछ? एक पियानो, किसी को लव्यम को शायद आता है पियानो। प्रभु जी करताल, लव्यम को आता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी करताल। हाँ हाँ करताल पे भी चलेगा, करताल पे भी चलेगा, ठीक है? आप लोग पहले से ही मेरे को मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली कि प्रभु जी आज हम कीर्तन करना चाहते हैं, तो आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा। और एक आज ना हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन करना चाह रहे थे कैंप के बारे में। तो अमित प्रो आपका क्लास है क्या? हाँ प्रो, मुझे थोड़ा लीव करना होगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रो। धन्यवाद। तो अच्छा, आज कुछ लोग मेरे को नए आज दिख रहे हैं। एक दीक्षा है ना, दीक्षा अभिषेक प्रभु, आप दीक्षा का नाम सेव कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नीलम प्रभु की भतीजी है अभिषेक प्रभु। यस प्रभु जी, हम आपको मैसेज कर देंगे प्रभु जी व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ जी प्रभु जी। और ये विशाखा कहाँ की है? विशाखा, विशाखा अनम्यूट करो। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से, अच्छा। रोहन प्रभु की मेरी बहन है। हाँ हाँ, सागर प्रभु की मामा की लड़की है ना। यस प्रभु जी। ओके ओके, अच्छा। और कौन है इधर? और कुछ लोग थे, अच्छा। एक तो नूपुर है और सत्यम कुमार। हाँ सत्यम जी, सत्यम कैंप में आया था ना प्रभु जी? बहुत नए लोग आए हैं। नहीं नए लोग नहीं है, पुराने लोग है, आज पहली बार जुड़े हैं। ये सब कैंप किए थे पिछले बार, समर कैंप। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना, आप लोग का विंटर वेकेशन कब से है? किसी को जैसे कृष्ण प्रिया का विंटर वेकेशन शायद 18th दिसंबर से शुरू हुआ है, और किसी का विंटर वेकेशन है अभी रिसेंटली? तो जी मेरा भी 18 से ही चालू है। किसका? जी हम सचिन नंदन। हाँ बोलो सचिन नंदन। मेरा 18 से 3 जनवरी तक है, फिर 4 को स्कूल खुलेगा। अच्छा। मेरा प्रभु जी 25 से लेके है, मेरा 26 से लेके आपको हो गया 31 तक। अच्छा ओके ओके। और 4 से लेके 2 जनवरी तक। अच्छा तो सुनो, मोस्टली आप लोगों का सबका ना विंटर वेकेशन है, तो हम लोग ना एक विंटर कैंप का प्लान कर रहे हैं, आप लोग आना चाहेंगे? तो हम लोग पर्सनली मिल सकते हैं, आना चाहेंगे आप लोग विंटर वेकेशन में? छुट्टी एक सप्ताह का कैंप करेंगे अगर आएंगे तो। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं एक बार कुमार लीला प्रभु से बात करके आप लोगों को नोटिफाई करता हूँ कि कब से कब तक हम लोग रख सकते हैं। तो हरिओम। यस प्रभु जी, आपको कुछ सेवा देंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु। और अनुराग को भी देंगे, ठीक है? अनुराग कुछ सर्विस मिलेगा आप लोगों को विंटर कैंप के लिए, ठीक है प्रभु जी? ये कहाँ पे होगा? देखते हैं, हम प्रभु जी से बात करके बताते हैं। आप लोग मोस्टली कहाँ से हो? अनुराग कहाँ से है? अनुराग प्रभु जी मैं मेघालय से हूँ। मेघालय
तो आप मेघालय में रहते हैं? हाँ प्रभु जी। ओ मेघालय बहुत दूर है। और प्रियदर्शी तो धनबाद में। मैं धनबाद से हूँ। हाँ नूपुर और सत्यम तो नवादा से हैं, वत्सल भी नवादा से हैं, हरिओम पटना से हो गया, दीक्षा दीक्षा कहाँ से? सुपौल से प्रभु जी। कहाँ से प्रभु जी? सुपौल सुपौल सुपौल। अच्छा जी। और आदित्य हो गया कोलकाता से, आसनसोल से, नारायण नगर नवादा से। अभिषेक प्रभु सबका अटेंडेंस बना लिए क्या? हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले लिया प्रभु, कुछ कुछ हैं जैसे। ठीक है तो हम लोग देखते हैं, अगर धनबाद में भी होगा तो धनबाद में ट्राई करेंगे करने का, नहीं तो हल्दिया में बात करते हैं, है ना? ठीक है तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।